जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर के 7 दिन बचे हुए हैं और मैंने कल भी बताया था आपको कि 7 दिन में क्या करें, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। चलो हम मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, जैसे 7 दिन आपके पास बचे हैं तो 7 दिन में आपको वर्कआउट क्या करना है। दोस्तों, जैसे आज का वर्कआउट है, मतलब आज आपको 7 दिन है तो आज करना है आपको 400 मीटर की 7 रेपिटेशन करनी है, यानी कि डेढ़ से पौने दो गुना वर्कआउट करना है। 1600 मीटर है तो 1600 मीटर का डेढ़ गुना कितना होगा, आप लगा सकते हैं हिसाब। 16 और 8 16 8 24, यानी 3 27, पौने दो गुना वर्कआउट करना है, वो स्पीड में करना है। दोस्तों, आपको पहले दिन लगानी है 400 मीटर की 7 रेपिटेशन 1 मिनट 5 सेकंड वाली, 2 मिनट या 2.5 मिनट के रेस्ट से। नंबर दो दिन, दूसरे दिन आते हैं दोस्तों दूसरे दिन आपको पेस करना है, बहुत अच्छा सा पेस करना है। पेस करना केवल आपको 3 किलोमीटर का पेस करना है, वो 3 किलोमीटर आपकी 9:30 या 9:45 के करीब में आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज तो मैन है आपके लिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वार्म अप तरीके से करना है। और आपका बुध में आते हैं, यानी कि तीसरा दिन, क्योंकि आज मंगल है, मैं मंगल से बता रहा हूँ, तीसरा दिन बचता है। तीसरे दिन में आपको लगाने हैं दोस्तों 600 मीटर लगानी है आपको, 600 मीटर लगानी है 1 मिनट 40 सेकंड वाली, 1 मिनट 40 से 45 वाली वो लगानी है, 2 मिनट के रेस्ट या 2 या 2.5 का रेस्ट होना चाहिए आपकी। 5 रेपिटेशन केवल होनी चाहिए, उनमें 2.5 मिनट का रेस्ट 1:36 से 1:40 के बीच में लगानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम आपका चौथे दिन में दोस्तों आपको करना क्या है। चौथे दिन में आपको करना है स्लो फास्ट कितनी करना है आपको, केवल 15 मिनट स्लो फास्ट करना है, 1 मिनट फास्ट 30 सेकंड स्लो, 1 मिनट फास्ट 30 सेकंड स्लो। 15 मिनट में फास्ट इतना करना है कि 1 मिनट में आप लोगों को जाना है कम से कम 300 मीटर, 300 से ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। और अब आता है एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग और वार्म अप, ये ज़रूरी है तीनों के तीनों दिन को, और एक्सरसाइज भी। दोस्तों, मैं स्पीड वर्क की बता रहा हूँ आपको। अब आता है पाँचवा दिन दोस्तों आपका, तो पाँचवा दिन लगाने हैं आपको 3 किलोमीटर। देखो, किलोमीटर की 3 रेपिटेशन है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये कैसा वर्कआउट बता दिया, तो आप लोग आ सकते हैं 7 दिन के लिए मोदीनगर और आप देख सकते हैं कि वर्कआउट कैसे होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं केवल, और 7 दिन में आप किलोमीटर, अब आप पाँचवें दिन में करने हैं आपको किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर करने हैं 3 मिनट वाले 2.5 मिनट के रेस्ट से 3 किलोमीटर, तो आपको बेहतरीन लगाने हैं दोस्तों। और छठा दिन जो बचता है दोस्तों आपको, बचता है एक स्पीड वर्क और बचता है आपका 200 मीटर की 12-13 रेपिटेशन 1 मिनट के रेस्ट से 30 सेकंड वाली, ठीक है दोस्तों। ये आपका 6 के 6 दिन का शेड्यूल हो गया। अब आप पूछोगे कि इसमें डाइट क्या लें। दोस्तों, आपको लिक्विड लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको रोटी खमखानी है लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रियल जूस हुआ और आपका अनानास मौसमी अनार का मिक्स जूस हुआ, और ड्राई फ्रूट्स खाने यानी कि बादाम भी खाने हैं आपको, और रोटी कम खानी है, सब्जी ज़्यादा खानी है, सूखी सब्जी कम खानी है, और मतलब ये गीली सब्जी जैसे आलू दाल ज़्यादा खानी है, अगर आलू टमाटर हैं तो आलू टमाटर का सूप पीना है, मतलब और सत्तू पीना है। और दोस्तों, अगर आपके बॉडी ज़्यादा टाइट होती है तो आपको न्यूराबिन फोर्ट की टैबलेट भी आप ले सकते हैं, और जैसे आप ज़्यादा बॉडी आपकी गिर चुकी है यानी कि डेट बिल्कुल डेड हो गई, तो मल्टी विटामिन भी आप कोई सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 7 दिन की जानकारी। अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो इंस्टाग्राम आईडी चीनू सैदपुर फिजिकल को फॉलो करके उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, ये 7 दिन बचे हुए हैं आपके पास, इन 7 दिन में आपको करना क्या है, इन 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट करना है। वर्कआउट यानी कि डेढ़ दिन पहले वर्कआउट छोड़ देना है, 2 दिन पहले आपको एक स्पीड वर्क लगाना है, जो कि मैं आपको आने वाले समय में ज़रूर बताऊंगा। वो ही मेन वर्कआउट होता है दोस्तों, भर्ती से पहले जो आपको लगाना है, वो इतने बेहतरीन स्पीड वर्कआउट होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं उसे, तो दोस्तों कमेंट्स कर सकते हैं, और आप अपने कागज़ भी तैयार कर लीजिए। आने वाली जो वीडियो होगी वो कागज़ों के लिए होगी, तो दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।